छोड़िए सर। हाँ सर, ये सांसद जी की मौत हो गई है, इस दुख की घड़ी में क्या कहेंगे आप? आज मैं जब नींद से जगा तो ये मनहूस खबर मुझे मिली कि हमारे सांसद, हम सब के गार्जियन मौलाना असरारुल हक कासमी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह 3:30 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ने से वो जो इंतकाल कर गए, जबकि वो कल पूरे दिन भर क्षेत्र का भ्रमण किए हैं और जो है एक जलसे में भी बहुत रात तक खगड़ा में किशनगंज में उसको भी खताब किए। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब एक विश्व स्तरीय आलिम दीन और इनकी पहुंच पहचान विश्व के अनेक मुल्कों में थी। इन्होंने खुद 50 से अधिक मुल्कों का दौरा किया और ये एक एजुकेशन के क्षेत्र में जितना इनका योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज ये पिछले 9.5 साल से सांसद हैं, इससे पहले भी इन्होंने एजुकेशन के लिए एक इस सीमांचल सहित पूरे देश में जो है तालीम के लिए, खासकर माइनॉरिटीज़ के तालीम के लिए एक तहरीक चलाई। इनके सैकड़ों मदारिस इनकी कोशिश से कायम हुए और सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर थी कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ये किसी अपने विरोधी का भी उनका बुराई किया या उनके खिलाफ़ में कुछ बोले। ये अपने काम पर भरोसा करते थे, जबकि लोगों ने इन पर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन कभी ऐसा मैंने कभी आज तक अपने लाइफ। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? पूरे सीमांचल देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, इसको बहुत जल्द हम लोग भरपाई नहीं कर सकेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर था, ये भी उनका ख्वाब था, उनके लिए भी वो लगातार जद्दोजहद करते रहे। अब हम लोग उनके प्रति जो खराज अकीदत है, उनको जो संवेदना है, यही है कि जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलकर हम लोग जो है वो जो सोचते थे कि हमारा सीमांचल, किशनगंज, बिहार, ये इलाका कैसा हो, और हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इतने बड़े आलिम दीन होकर वैसा उसके लिए कोशिश किए, ये बहुत बड़ी बात है। नेक इंसान दिल थे, नेक इंसान थे, पार्टी अलग चीज़ है, उनकी एक अपनी छवि थी, अपनी पहचान थी, और सांसद से पहले भी वो जो सेवा करते थे शिक्षा के मामले में और मानवता के मामले में, उनकी एक अलग पहचान थी। सीमांचल नहीं, पूरे बिहार को एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपने गिर की दहलाइयों से उनको मुबारकबाद ये दूंगा कि ऐसे इंसान बहुत कम पैदा इस दौर में होते हैं और किशनगंज के लिए बहुत बड़ी क्षति। तो अब ये पूर्ति के लिए क्या कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान चले गए? उनकी पूर्ति और उनकी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, और ऐसे लोग जाने के बाद इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वो हर चीज़ पार्टी से, पॉलिटिक्स से, एमपी के पद से भी हट के इंसानियत और मानवता का काम करते थे, अपने बड़ों से की भी ताज़ीम, अपने बच्चों को भी प्यार और सराह देते थे, किसी जात भेद भाव हिंदू मुस्लिम उनका कोई ऐसा कर्तव्य और कार्यकलाप नहीं रहा। सियासी लीडर नहीं थे बल्कि दीनी लीडर थे और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पहचान थी। वो दीन के मामले में जितनी जानकारी रखते थे उतना ही सियासत की भी जानकारी रखते थे, और ये सीमांचल का एक बहुत बहुत बड़ा क्या कहें, एक दुख की घड़ी है कि एक ऐसे शख्स को सीमांचल ने खोया है जिसकी पूर्ति बहुत दिनों तक नहीं हो पाएगी, हमको जैसा अंदाज लगता है। वो एक मिलनसार आदमी थे, वो पार्टी से उठकर सबों से मिलते थे, सबकी खैरियत पूछते थे, सबसे हमदर्दी जताते थे, और एक अवामी इंसान थे, अवाम के बीच में बहुत ही लोकप्रिय थे।